बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केपी के पुलिस के अंदर कितनी जॉब की पोजीशंस आई हैं, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है और आपने इसको किस तरह अप्लाई आउट करना है, वो सारा कुछ हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये कह दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास आने वाली तमाम की तमाम लेटेस्ट की लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो वीडियो देख रहे हैं आपने उस वीडियो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ पे, आपने इसके ऊपर क्लिक आउट करके इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा क्या, मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा एडवर्टीज़मेंट का लिंक और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, आपने किस तरह इसको अप्लाई वगैरह करना है। अभी मैं बात स्टार्ट करूं कि असामियों की कुल तादाद जो है वो तकरीबन 6948 है, काफ़ी ज़्यादा असामियों की तादाद है और इसके लिए अप्लाई जो लास्ट डेट है वो तकरीबन 30 अप्रैल 2022 है। आज तकरीबन 12 अप्रैल है, तकरीबन 18 डेज़ अभी बाकी हैं। उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल है और जो छाती वगैरह जो भी साइज़ वगैरह वो यहाँ पे सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है और इसकी जो जिस्मानी इम्तहानात वगैरह जो भी होगा वो सारा तरीक़ाकार यहाँ पे लिखा गया हुआ है। जो इनका टेस्ट वाला सिस्टम है उनके लिए मैं कल ऐसा वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरह आपने टेस्ट वगैरह के लिए तैयारी वगैरह करनी है, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मैं इन चीज़ों के बारे में बता सकूँ। अभी आपने इसको सबमिट किस तरह करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है और इसकी जो फ़ीस है वो कितनी है, तकरीबन 650 इसकी तकरीबन फ़ीस है, 650 रुपये। और इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो तकरीबन यहाँ पे ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो आप इनके ऑफिशियल नंबर के ऊपर रब्ता करके आप ले सकते हैं। ये ऐड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपने क्लिक आउट करके वीडियो की लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपने उसके ऊपर क्लिक आउट करके इस वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो थोड़ी देर बाद देख रहे हैं तो आपने करना क्या है, आपने यू जॉब स्टार्ट पीके को फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करना है और उसकी गवर्नमेंट जॉब्स के सेक्शन के अंदर आना है और आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है KPK पुलिस। जैसे ही आप इसके ऊपर आके सर्च करेंगे KPK पुलिस और ये सामने वेबसाइट शो कर देगी एडवर्टीज़मेंट 12 अप्रैल वाला, आपने इसको ओपन करके और फिर आपने ये वाला आर्टिकल ओपन करना है। आप किसी और आर्टिकल के ऊपर ना जाइएगा, इसका लाजमी ध्यान रखिएगा। अभी चलते हैं, आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह सबमिट करनी है। यहाँ पर ऑफिशियल साइट का लिंक दिया गया हुआ है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक आउट करेंगे तो आप ETEA.education.pk के ऊपर उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाएंगे। अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक आउट करेंगे ये रहा इनकी ऑफिशियल कॉन्स्टेबल की रजिस्ट्रेशन। हम न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक आउट करेंगे और क्लिक आउट करने के बाद उर्दू के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप उर्दू के लिए भी कर सकते हैं और इंग्लिश के लिए भी कर सकते हैं। आपने पोजिशन अपनी सेलेक्ट करनी है, बेटी डाटर जो भी आपने वो सेलेक्ट आउट करना है, अपना डोमिसाइल वगैरह सेलेक्ट आउट करके सारा एप्लीकेशन फॉर्म करके अपने सबमिट फॉर्म कर देना और आपके अप्लाई कर देंगे। और रही बात एडवर्टीज़मेंट की, आप एडवर्टीज़मेंट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे भी अवेलेबल है एडवर्टीज़मेंट। ये रहा एडवर्टीज़मेंट और कम्प्लीट क्राइटेरिया यहाँ पर भी मौजूद है। तो अगर आपको इसके टेस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मैं सब कुछ समझा पाऊँ इजीली। और लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वेबसाइट के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।